आप सबों को मेरा होम टूर करा देता हूँ। एकदम एयर कंडीशनर वाला हम लोग का घर है यहाँ पे जंगल के बीच में। और चलिए आप सबों को दिखा देता हूँ और कैमरा घूमते। और सीधे सरिता के लिए मिठाई ले रहे हैं हम लोग, तो देख सकते हैं यहाँ पर मिठाई डाल रहा है। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं मेरे चैनल चांदारा ब्लॉग्स। तो आप सबका स्वागत करते हैं हमारे चांदारा ब्लॉग्स में। सो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद में ब्लॉग बनाने का मौका मिला और आज वैसे फ्री हूं और आज कुछ भी काम नहीं है। वैसे हर दिन बिजी रहता हूं लेकिन आज कुछ भी काम नहीं है, आज फ्री हूं। तो आप सब बहुत ज़्यादा कमेंट भी कर रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्या हुआ, क्या रीज़न है, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम में ही रहता हूं, तो कहां से वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। तो आज फाइनली फ्री हूं, आज हम लोग का ऑफ भी रहता है। तो आज चलिए आप सबों को मेरा होम टूर करा देता हूं। एकदम एयर कंडीशनर वाला हम लोग का घर है यहाँ पे जंगल के बीच में। और चलिए आप सबों को दिखा देता हूँ और कैमरा घूमते ही देख सकते हैं। इधर हमारे दोस्त लोग है और खाना सब खा रहे हैं, अभी मार्केट जाने वाले हैं हम लोग। और ये रहा हम लोग का घर। आप सबों को मजाक भी लग रहा होगा कि ये हम लोग का घर नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, जंगल के बीच में ऐसा हम लोग को बना के रहना पड़ता है। और हम लोग क्या काम करते हैं वो तो हम आप सबों को बाद में दिखाऊंगा। और ये देख सकते हैं गैस, इधर कैसे प्लास्टिक सब बांध दिए हैं। और यहाँ पे भाई लोग रहता है, ये देखिए पत्थर को, तो यही पत्थर दिख रहा है ना आप सबों को, तो यही पत्थर को हम लोग काटते हैं, तो इसलिए जंगल के बीच में रहना पड़ता है हम लोग। और इधर सरिता देख सकते हैं गाइस क्या बोल रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है मेरे को। तो चलिए और मेरा रूम दिखा देता हूँ, ये है मेरा रूम, इधर है। और यहाँ पर पानी का ड्रम है, इसमें पानी स्टोर करके रखना पड़ता है, जंगल के बीच में पानी नहीं भी मिलता है। और इसके देखिए मेरा रूम, अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बैग वैग रखा हुआ है और सारा सामान सरिता हम लोग के लिए 10-11 आदमी के लिए खाना बना देती है। ये देखिए यहाँ पे अंडा बिंडा सब अभी ख़त्म है, तो आज हम लोग मार्केट जाने वाले हैं, तो मार्केट जा के आएंगे, फिर सब्जी बिब्जी लाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है ना गैस, बैल भी घुसता है, तो अभी ये झोपड़ी को थोड़ा अच्छी तरह से बांध के जाना पड़ेगा मार्केट जाएंगे। तो देखिए यहाँ से इधर से बांध देंगे, तो पता नहीं आप सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सारा चीज़ ख़त्म हो गया और भाई लोग निकल गया है और अभी हम लोग जाने वाले हैं। और 3 रूम बनाया हुआ है यहाँ पे, और एक ये देखिए मशीन का प्लेट भी इधर है। और सरिता भी अभी मार्केट जाने के लिए रेडी हो रही है। और यहाँ पर लाइट का सुविधा नहीं है, तो ये देखिए हम लोग सोलर लाइट यहाँ पर रखे हैं, और इसी सोलर लाइट से हम लोग रात का गुजारा कर लेते हैं जैसे तैसे। और वो साइड पूरा खानी सब है, और ये देखिए चीरा खानी यहाँ पे। तो सरिता मेरे को बार बार बोल रही है कि चलो जल्दी करो। तो अभी हम लोग मार्केट भी जाने वाले हैं, तो मार्केट का भी आप सबों को शेयर करा दूंगा। तो चलिए गाइस इसको थोड़ा बांध लेते हैं उसके बाद में। और हम लोग का स्पेशल गेट देख सकते हैं, ये भी बहुत महंगा गेट है ये भी हम लोग का, तो इसको अभी बांध के जाना पड़ेगा, नहीं तो बैल घुस जाएगा ना हम लोग का गेट में। तो चलिए फटाफट से बांधते हैं इसको और निकलते हैं। ये कितना भी अच्छा से बांधो ना, क्या होता है ना गैस कि बैल आके सारा चीज़ सत्यानाश कर देता है। वैसे रात में भाई लोग दाल सब लेके आया था, तो वो सब भी खा के जमा ख़त्म। सारा चीज़ हम लोग का लॉक कर लिए, इसको लॉक कर लिए हम लोग का रूम को। अब चलते हैं मार्केट की ओर। और ये देखिए हम लोग और सारा सब लोग जा रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूं। और यहां पे छोटा सा झोपड़ी बना दिया है, रात में भाई लोग इधर ही सोता है। अच्छी तरह बहुत ही अच्छा कुंभा बनाया हुआ है, और दिन में आराम करने के लिए, मैं तो मशीन में रहता हूं, तो मशीन में ज़्यादा आराम करने के लिए नहीं मिलता है, तो ये लोग को पत्थर लोडिंग करता है, तो वो लोग को आराम करने के लिए मिल जाता है। तो देख सकते हैं गैस कैसा है ये झोपड़ी, बहुत ही सुंदर है ना, क्या सुकून सा लग जाता है, लेकिन क्या करेंगे। और यहाँ पे क्या है ना गैस कि मतलब जहाँ पे मैं था वहाँ से कुछ इनकम भी अच्छा खासा है, यहाँ 4K कमा रहा था, तो यहाँ पे 8K मतलब हो जाता है समथिंग। तो अभी हम लोग चलते हैं मार्केट की ओर। अरे भैया आप लोग मार्केट नहीं जा रहे हैं क्या? जाएंगे ना जाएंगे। अच्छा, तो हम लोग आगे आगे जा रहे हैं, आप लोग पीछे पीछे।
यहाँ सारे दोस्त लोग अभी जा रहे हैं आगे आगे और हम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। और यहाँ पे मार्केट के लिए भी ना क्या बोलेंगे गाइस, सुविधा जाने के लिए नहीं है, काम का जो गाड़ी आता है ना पत्थर लोडिंग करने के लिए, तो हम लोग उसी में चढ़ के चले जाते हैं। और आने के टाइम पे तो गाड़ी बुकिंग करके आना पड़ता है, ताकि सब्जी विब्जी सारा सामान रहता है ना उसमें, तो इसलिए हम लोग को बुकिंग करके आना पड़ता है। तो सरिता को इधर ले कर आए, बहुत डांट रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा डांट मिलता है, लेकिन क्या करेंगे, जंगल में ले कर आ गए हैं इसको। और ये चिकन मटन से अच्छा से नहीं रह पाते हैं बोल के बोल रही है। और यहाँ पे तो गोवा में थी उस टाइम वो पूरा पंखा उंखा था, और यहाँ पे तो एकदम शुद्ध हवा का मजा ले रही है, क्या है ना, हाँ शुद्ध हवा एकदम, ना पंखा का हवा ना कुछ का नहीं, एकदम जंगल में जो वो क्या मस्त हवा चलता है ना, उसका आनंद ले लेके अकेले रहती है। वैसे हम लोगों के लिए सबों के लिए खाना बना के रेडी रख देती है, क्योंकि हम लोगों को खाना बनाने का वक्त नहीं मिलता है गैस, खाना जैसे खाते हैं और फिर से काम में चले जाते हैं। तो देख सकते हैं चारों तरफ, कैमरा घुमाऊँ तो चारों तरफ पूरा जंगल ही जंगल आप सबों को दिखाई देगा। और हम लोग मार्केट अभी जाएंगे ना, तो काफ़ी दूर मार्केट भी जाना पड़ता है गैस। कितना दूर, 10-12 किलोमीटर हो जाएगा ना रे, 10-12 किलोमीटर हो जाएगा लगता है। तो इसलिए आते टाइम तो हम लोग को गाड़ी बुकिंग करके आना पड़ता है। अभी तो काम का जितना भी गाड़ी था पत्थर लोडिंग करने के लिए सब लोग चले गए हैं, तो अभी सीजन शुरू हो ही गया है वैसे, तो धीरे धीरे चल रहा है काम सब। तो धूप भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन क्या करेंगे, काम तो काम ही है, करना पड़ता है, कुछ भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस काम करने का एक जुनून होना चाहिए, क्यों। तो चलिए अभी चलते हैं, दोस्त लोग को पहुंचाते हैं, और आगे का वीडियो आप देखते रहिएगा। देख सकते क्या? हैं और एक प्रदीप भाई, इनसे भी मिल लीजिए। हेलो हाय। तो ये भी हम लोग के साइड के ही हैं, ये हमारे पास के ही इटाम के हैं, तो पुष्पा बरला का गाँव का क्या प्रदीप भाई, हाँ तो उसके गांव की हैं पुष्पा बरला। आप सबों से, आप सबों को दिखाया था वीडियो में, तो हमारे सब्सक्राइबर ही हैं, कभी कभी इंस्टा में लाइव आता हूँ तो आ जाते हैं वो भी। तो चलिए अभी चलते हैं, और देख सकते हैं रोड ही अभी तक नहीं पहुँचे हैं हम लोग, और इसे सुनसान सा इलाका में हम लोग क्या करेंगे, पैसा का तंगी में कुछ भी करना पड़ता है जैसे तैसे। ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है कि 5-स्टार होटल में नौकरी करेंगे, बस जिंदगी चलाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है यार। सो गाइस, अभी हम लोग को मार्केट जाने के लिए एक छोटा सा टेम्पो मिल गया है, तो यही टेम्पो में सब लोग लोड हो रहे हैं, और वाइफ जा रही आगे में और हम लोग जा रहे हैं इधर पीछे में, और सारे लोग बैठ गए हैं, चढ़ गए हैं, अभी बैठने के तो मौका नहीं मिलेगा, तो हम लोग को खड़े खड़े ही जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, और एकदम हवा का मज़ा लेते हुए चलते हैं मार्केट की ओर। हाँ इधर से सब लोग दिखाई दे रहे हैं। गाइस अभी हम लोग घाट उतरने वाले हैं, तो घाट देख सकते हैं साइड में जो दिख रहा है वो पूरा पहाड़ी पहाड़ है, और हम लोग घाट में उतर रहे हैं, अभी गाड़ी भी चल रही है, तो देख सकते हैं कैसा ढलान है। और चढ़ने के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हम लोग मार्केट पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग का डेली यहीं पे शॉप है, तो यहीं से सारा सामान उठाते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ ठंडा विंडा पी लेंगे, उसके बाद वहीं मार्केट करेंगे हम लोग। और गाड़ी वाला तो उधर चला गया, पैसा भी नहीं दिया हम लोग, तो आएगा शायद। कहाँ जाएंगे जी, ठंडा विंडा नहीं पी लेंगे। हाँ आते आते बहुत ज़्यादा थकावट और बहुत ज़्यादा पानी प्यास लगी है, तो आप भी हम लोग आए हैं लींबू सोडा पीने के लिए, और हम लोग का लींबू सोडा बन रहा है ये साइड में, तो चलिए बने दे लेते हैं, उसके बाद में पियेंगे और मार्केट करने के लिए जाएंगे हम लोग, वेट करना पड़ेगा।
सो गाइस फाइनली हमारा आ गया है न्यू मिनेसोटा और ये तो पुणे का और चलो पीते हैं गाइस। बहुत ही मज़ा आया जैसे यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ मार्केट यहाँ पे न्यू मिनेसोटा पी के ही जाता हूँ। गाइस अभी हम लोग नींबू सोडा पी लिए हैं, अब चलते हैं मार्केट जाने के लिए। अभी दोस्त लोग किधर गया तो सारा सामान एक ही जगह लेते हैं तो इसीलिए चलते हैं अभी ले के ही आते हैं। पहला मिठाई ले लेते हैं ना, देर तक के लिए मिठाई ले लेते हैं, नहीं तो पूरा सप्ताह भर उधर दुकान भी नहीं और भूखे भूखे रहना पड़ता है। कुछ कुछ खाएंगे खाएंगे ऐसा लगता है और मिठाई भी ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए हम लोग चलते हैं अभी मिठाई ले लेते हैं। पता नहीं आज भी आया कि नहीं, पिछला हफ्ता आया नहीं। और गाइस सीधे सरिता के लिए मिठाई ले रहे हैं हम लोग, तो देख सकते हैं यहाँ पर मिठाई डाल रहा है और पूरा हफ्ता के लिए लेकर जा रहे हैं मॉर्निंग मॉर्निंग में नाश्ता करने के लिए। और ये भी डाल है, ये पाव डाल, पाव किलो पाव डाल। तो गाइस अभी हम लोग मिठाई ले लिए हैं लेके, अभी आ गए हैं सब्जी लेने के लिए। और ये देखिए इधर सब्जी एकदम ताज़ा ताज़ा सब्जी है, तो अभी हम लोग सब्जी ले रहे हैं। देख सकते हैं इधर भाई लोग ले रहे हैं सब्जी और कुकुम्बर भी एकदम ताज़ा ताज़ा सब्जी, लाल लाल टमाटर, लाल लाल टमाटर को तोड़ा नहीं जा सकता बोलते हैं ना, और सही ही सुने हैं आप सब। तो फटाफट ले लेते हैं, ये देखिए कुकुम्बर, कुकुम्बर भी एकदम ताज़ा ताज़ा सब्जी। गैस अभी बाज़ार घूमते घूमते ना इतना थकावट लग गया, धूप इतना ज़्यादा है ना गैस कि मत ही पूछिए। वैसे काम करते हैं तो पता नहीं चलता है, लेकिन बस ऐसे ही छुट्टी के दिन में घूमने आ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और देख सकते हैं पूरा मार्केट, तो इसे हम लोग झारखंड के जैसे ही ज़्यादा रेट तो नहीं है, 10-10 रुपये खेजा सब चीज़ है। तो अभी बस बैठे हैं पानी सब पी के और सारा सामान हो गया, सब लोग को आने दे देते हैं, उसके बाद में हम लोग निकलेंगे रूम के लिए। सो गाइस हमारा चिल्ड स्टोन लोड करने वाला गाड़ी आ गया है फाइनली। तो आज हम लोग किसी गाड़ी में जाने वाले हैं, आज ये गाड़ी बुकिंग करके नहीं जाना पड़ेगा फाइनली। देख सकते हैं दोस्त लोग सामान को ऊपर लोड कर रहे हैं, मैं और वाइफ अंदर चले जाएंगे सामने में, और चलिए चलते हैं। ओके लेट्स गो। गाइस अभी हम लोग रूम को पहुंचने वाले हैं और थोड़ा सा यहाँ पे पानी वीनी सब पी लेते हैं। और ये दोनों तो पहले ही आ गया था और इधर छोटा सा गड़ा है। सो गाइस अभी हम लोग गाड़ी उतर गए हैं और गाड़ी आधा रास्ता में हम लोग को छोड़ के जा रही है इधर भरने के लिए, चीरा भरने के लिए जा रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सब लोग सामान ढो के और पैदल पैदल जा रहे हैं, और आगे आगे दो भाई लोग जा रहे हैं। तो कुछ अलग ही गांव जैसा फील है, अलग ही कुछ मज़ा है। बस अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे, और घर ही क्या बोलेंगे, ये तो हमारा घर ही है अभी यहाँ पे रह रहे हैं। तो चले गए, ये छोटा सा वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। और आई होप आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस यार आप लोग पूछ रहे थे क्यों नहीं आता है वीडियो, बस यही रीज़न है कि टाइम नहीं मिल पाता है। बस अभी बन रहे इधर चिकन मटन अभी बनाने वाले हैं हम लोग, और वो देखिए उधर एक बन रहा है और एक तो इधर बैठा हुआ है, ये देखिए अभी हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो को यहीं पे स्थगित करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार देते रहना। वीडियो नहीं भी डाल रहा हूँ फिर भी बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो इसलिए आप सबको दिल से शुक्रिया।